कच्चे तेल की कीमत की चर्चा चारों तरफ हो रही है। कच्चे तेल के भाव को लेकर दो तरह की बातें कही जा रही है। कुछ जानकारों का कहना है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी मंदी की तरफ आगे बढ़ती है तो आने वाले समय में कच्चे तेल के भाव में गिरावट आएगी। दूसरी तरफ कुछ जानकारों का कहना है कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण क्रूड ऑयल की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, ऐसे में कच्चे तेल में तेजी जारी रहेगी। अगर रूस ने प्रोडक्शन और सप्लाई घटाने का फैसला किया तो स्थिति खतरनाक होने की भी आशंका जताई गई है। इस बीच सिटी ग्रुप का मानना है कि इस साल के अंत तक क्रूड ऑयल का भाव गिरकर $65 और 2023 के अंत तक ही फिसलकर $45 तक पहुंच सकता है। इस समय क्रूड ऑयल का भाव इंटरनेशनल मार्केट में $112 के करीब है। वहीं रॉयट्स की एक रिपोर्ट में सिटी ग्रुप के हवाले से कहा गया है कि वर्तमान परिस्थिति के आधार पर लग रहा है कि साल 2022 और 23 में रशियन ऑयल एक्सपोर्ट मजबूत स्थिति में होगा। आने वाले दिनों में कच्चे तेल की मांग में कमी आने की संभावना जताई गई है, जिसके कारण इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण कीमत पर दबाव भी बढ़ेगा। वहीं बता दें कि सितंबर तिमाही तक इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का औसतन भाव घटकर $99 प्रति बैरल रह जाएगा। दिसंबर तिमाही में ये घटकर बता दें कि $80 से ज़्यादा पर ये आ जाएगा। वहीं साल 2022 के लिए ब्रेंट क्रूड ऑयल का एवरेज रेट $99 रखा गया है। साल 2023 में तेल का औसतन भाव घटाकर बता दें कि $75 कर दिया गया। वहीं बता दें कि WTI क्रूड को लेकर सिटी की तरफ से कहा गया है कि साल 2022 में इसका औसतन भाव $95 और 2023 में औसतन भाव $72 रहेगा। 2022 के सितंबर तिमाही में WTI क्रूड के लिए औसतन भाव $94 और दिसंबर तिमाही में औसतन भाव बता दें कि $81 रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं बता दें कि पिछले दिनों JP Morgan की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और यूरोप की तरफ से लगाए गए तमाम तरह के प्रतिबंधों के मुंह तोड़ जवाब देते हुए अगर रूस ऑयल प्रोडक्शन में कमी कर दे तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव $380 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। हाल ही में G7 देशों की अहम बैठक हुई, जिसमें रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाने का फैसला किया गया। वहीं JP Morgan ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अगर पुतिन रोजाना आधार पर 5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन कम कर दे तो रूस की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अगर रोज़ाना प्रोडक्शन में 3 मिलियन बैरल की कटौती की जाती है तो लंदन कुछ ऑयल प्राइस बढ़ाकर $190 प्रति बैरल कर तक पहुंच जाएगा। अगर ये कटौती रोज़ाना आधार पर 5 मिलियन बैरल होता है तो कीमत बढ़कर $380 तक पहुँच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।